जय धर्मेश, मैं चित्रंजन राव। मैं आज आप लोगों के सामने ऐसी बातों को बताने जा रहा हूं जो हम सबके लिए बहुत ही अच्छा और हमको जानना बहुत ही जरूरी है और हम अपने जीवन को सफल और सुखमय जिंदगी व्यतीत करने के लिए हमको सही राह पर चलना बहुत जरूरी है। हम सही राह पर चलेंगे, हमारे समाज के लोग सारे सही राह पर चलेंगे तो ये सब कुछ सही होता ही जाएगा। तो मैं इस बात पर आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ कि धर्मेश का हाथ पकड़ लो और हम चले और हमारे समाज के सारे लोग एक धर्मेश सरनामा चाला आयो, इनका जब हम हाथ पकड़ के चलने लगते हैं या चलने लगेंगे तो समझ लो कितना आसान और सहज हमारी जिंदगी और हमारे समाज में कितना आसानी और सहजता आएगी। तो मैं फिर कहना चाहूँगा, धर्मेश का हाथ पकड़ लो और धर्मेश का हाथ पकड़ के चलते रहो जिंदगी में, तो किसी अन्य लोगों का हाथ पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी अन्य तंतर मंतर गुनी डैन भगत भगताएं और दुष्ट आत्माओं या बहुत सारे ऐसे लोगों हैं उनके हाथ पकड़ के या पांव पकड़ के चलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज हम लोग धर्मेश को पकड़ेंगे और धर्मेश को अपना सबसे सर्वशक्तिमान और सब कुछ बनाने वाला और सब कुछ अपने अंदर में और उसी के अंदर में ये सब कुछ है, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास के साथ में, पूर्ण आस्था के साथ में, पूरा अपना मन और तन और पूरे विश्वास के साथ में जब धर्मेश के संग हो जाते हैं, धर्मेश के साथ में अपना जीवन को लगा देते हैं और अपना हाथ जो है वो धर्मेश को दे देते हैं और उसमें हम धर्मेश का जो हाथ है उसको, धर्मेश का हाथ को हम पकड़ के रखेंगे और धर्मेश मेरे हाथ को पकड़ के रखेंगे तो हमको किसी प्रकार को कोई दिक्कतें नहीं आएगी, किसी प्रकार के कोई परेशानी नहीं आएगी, उलझने नहीं आएंगी, समस्याएं नहीं आएंगी, दिक्कतें नहीं आएंगी। तो हम लोग अगर एक रास्ता पर चलेंगे, एक रास्ता पर, सही रास्ता पर चलेंगे, धर्मेश का हाथ को हम लोग पकड़ के रखेंगे और धर्मेश के अनुसार ही जब हम चलना शुरू करेंगे, सरनामा के अनुसार हम चलना शुरू करेंगे, सरनामा को पूजा पाठ कीजिए, धर्मेश का पूजा पाठ कीजिए, उसका विनती करेंगे, उसका भजन करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और क्या, यही सब चीज़ तो है। और हम लोग इस सर्वशक्तिमान धर्मेश जो सब जगह सब स्थिति सब परिस्थिति और सब समय सब काल सब देश सब जगह उपस्थित है, उसी को हम लोग क्या कर रखे हैं, उसी को हम लोग दरकिनार करके अन्य लोगों के हाथ और पांव पकड़ के चल रहे हैं, तंत्र मंत्र करने वालों का हाथ पकड़ करके हैं, भगत भक्तायन बहुत सारे हैं जो कि सही और अच्छे मार्ग दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे भगत भक्तायन हमारे और हमारे समाज की हिफाजत के लिए नहीं, अपना पॉकेट कैसे चले, अपना परिवार कैसे चले, और तंत्र मंत्र करने वाले भी अपना अपना रोटी रोजी इसी से चला रहे हैं, तो उनको भी इससे कोई मतलब नहीं कि आपकी ज़िंदगी में सुखी हो, आपकी ज़िंदगी में अच्छाई हो, इससे कोई मतलब उनको भी नहीं है। इसीलिए आज हमको जानने की ज़रूरत है हम किसी अन्य लोगों का। आज बहुत सारे लोग देखिए अपना सरना धर्म अपना सरना
अब माँ अपने धर्मेश का हाथ पकड़ के चलने की जगह पर अन्य लोगों को पकड़ के चल रहे हैं, अन्य लोगों को पकड़ के चल रहे हैं जो कि कतई भी हमारा हित वो नहीं चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि हमारा समाज किसी तरह से भटक जाए और हम सारे लोग भटकाओ में हम लोग चले जाएं और आपस में किसी का भी मेल मिलाप ना हो और सही रास्ता पर ना चले। वही तो उनका मानसा है। हम इन मानसा को तो नहीं समझ रहे हैं और इन मनसाओं को नहीं समझते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं, अलग अलग विचार और हैं, अलग अलग हम बटे हुए हैं। तो जरूरी आज हमको इस बात को गहराई से सोचने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। हम लोग तरह तरह जगह जो भटकाव है उस भटकाव को रोकने के लिए और भटका हुआ लोगों को हमको वापसी करने के लिए या इधर उधर जा रहे हैं उसको रोकने के लिए हमको बहुत जरूरी है अपने सरना की अहमियत को। इस सरना में कितना सहजता और कितना आसानी है और कितना सुंदर विचार के साथ में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर विचार से आगे बढ़ सकते हैं। इसमें क्या है, सप्ताह में एक दिन हम लोग पवित्र मन से पवित्र होके नहा धो के साफ सफाई होके सरना में आइए। हमारे जो पहान है वो प्रत्येक गांव में पहान लोग इसका अगुवाई कीजिए, जो धर्मेश के द्वारा आपको पूजा पाठ करने के लिए या गांव घर को चलाने के लिए, गांव घर की पवित्रता के लिए, अच्छाई के लिए धर्मेश खुद आपको नियुक्त करते हैं, खुद चुने हुए हैं। तो आप हर हाल में कहीं भी है, किसी तरह से भी हो, आप आएंगे तो आपकी अहमियत बढ़ेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगा, आपकी मान सम्मान आएगा। मैं कहीं कहीं कोई कोई गांव में देखता हूँ कि पहान अगुवाई कर रहे हैं, वहाँ की पहान की देखिए किस प्रकार की इज्जत होती है, किस प्रकार की मान होती है, किस प्रकार का सम्मान होती है। और हम अपने ही पहान में बहुत सारी शक्ति है, बहुत सारी ताकत है, लेकिन पहान लोगों में जो शक्ति है उस शक्ति को प्राप्त या उस शक्ति को कायम रखने के लिए जो धर्मेश का रहा है उनके अनुसार हमको क्या करना होगा, पूजा करना होगा, उनके अनुसार विनती करना होगा, उसके अनुसार हमको क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। अब हम लोग प्रार्थना विनती और पूजा पाठ करने की जो पद्धति है वो जो प्राकृतिक के अनुसार होना चाहिए, जो हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक का एक पुजारी है, प्राकृतिक का जो पुजारी है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, किसी को दर्द नहीं देता है, किसी को परेशान नहीं करता है, वो एक ऐसे रहता है प्राकृतिक का पुजारी जो होता है, वो हम भी खुश आप भी खुश, मतलब सबके खुश सबके हित के लिए काम करते हैं, किसी दूसरे या किसी जीव से जंतु से छोटे से बड़े सारे की भलाई हो ऐसे काम में लगे रहते हैं। आप हमारे पहाड़ लोगों के पास में आज वो अगर पूजा पाठ कर देते हैं तो उनके अंदर में शक्ति आएगी, उनके अंदर में अच्छाई आएगी। अगर उनका खाना पीना अच्छा है, उनका खाना पीना अच्छा है, रहना अच्छा है, प्रत्येक बृहस्पतिवार को सरना में आते हैं, गांव वालों को लेके चलते हैं और पहान के साथ साथ जो अधिकारीगण है वो लोग आते हैं, तो देखिए हमारे समाज में कितना अच्छा और पवित्रता आएगी और पहानों का सम्मान होगा। आज बहुत जगह पर पहान सम्मेलन कैसे किया जा रहा है और पहानों को कैसे सही और अच्छा किया जाए ताकि अपना समाज ठीक होगा, सम्मेलन रख रहे हैं, प्रयास है। इस प्रयास के साथ साथ में हम चाहेंगे कि आप पहान है अपना जिम्मेवारी को समझिए और आपके अंदर में अगर पवित्र मन से पूजा पाठ करेंगे, पवित्रता से आप कहेंगे तो हमारे समाज के लोग, कोई कहीं जा रहा है, कोई डलिया डुलिया दिखाने के लिए जा रहा है, कोई मुलवी मौलाना के पास में जा रहा है, कोई ओझा गुनी के पास में जा रहा है, और वो हमारे समाज के लोगों को लड़ाने भिड़ाने का भी काम कर रहे हैं। तो आप अपना अहमियत को समझें, 6 दिन आप दबा के काम कीजिए, 6 दिन आपने दबा के काम कीजिए और 1 दिन पूरा गांव के सारे छोटे बड़े
महिलाएं बच्चे जितना आने आना चाहेंगे सबको साथ लेके चलिए, आप और आपके द्वारा धर्मेश पूजा पाठ करने के लिए आपको खुद नियुक्त किया है, खुद चुना है, किसी व्यक्ति को चुना हुआ नहीं है, आपको धर्मेश ने चुना है, आपको चाला माने नियुक्त की है आपको पुजारी के रूप में। एक साल में एक बार पूजा कर देने से, कभी कभी सरना में आ जाने से नहीं होगा, आपको प्रत्येक सप्ताह आना पड़ेगा और पूजा पाठ में पवित्रता और पूजा पाठ में आपको अच्छाई के साथ में आना होगा, तभी हम लोग क्या करेंगे आगे और सफलतापूर्वक सबको एक साथ लेके चल सकते हैं। तो सारे आदिवासी लोग से मैं कहना चाहूंगा कि सरना माँ का धर्मेश का हाथ पकड़ ले और हम लोग उनका हाथ को पकड़ के चलेंगे और वहीं से हमारे अंदर में अच्छाई आएगी, खाने पीने में अच्छाई आएगी, विचारों में अच्छाई आएगी और हमारे वाणी में भी अच्छे और अच्छे आएंगे, जिसके द्वारा हमारा समाज को एक और एक सूत्र में हम बांध सकते हैं। और जब तक हम इस बात को ध्यान नहीं देंगे, सरना का अहमियत नहीं करेंगे, तब तक हम लोग नहीं बन पाएंगे। इसीलिए सरना का अहमियत को जाने, प्रत्येक सप्ताह को सरना में आए, 2 से 3 घंटा दें, तब देखिए हमारा समाज किस प्रकार के आगे और आगे ही बढ़ता जाएगा। मैं लगातार बताने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि हमारे समाज के सारे लोगों से मेरी बात आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट्स करिए, ज़रूर बताइए और मैं मोबाइल नंबर भी दे देता हूँ, उसमें भी आप फ़ोन करके हमें आइडिया बता सकते हैं, तरीका बता सकते हैं। और मेरा जहाँ तक प्रयास है कि हम लोग बहुत आसान और सहज राह के साथ में हम लोग एकत्रित और संगठित हो जाएंगे। बहुत सारे हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, भटकाव के राह को काम करने के लिए या इसको बिल्कुल ही दूर करने के लिए हमको आगे और सफल लोगों को, ईमानदार लोगों को और समाज के रियल में जो भलाई चाहने वाले अगुवा और नेतृत्व करता कि आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस अहमियत को समझे और ज़रूर कमेंट्स करें, बताएं। फ़ोन नंबर दिया हो उसमें फ़ोन करके भी मुझे बता सकते हैं कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, ताकि हमको पता चले। बहुत सारे लोग अपना छोटे 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 वीडियो बना के भी बता रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे उत्साह मिल रहा है, मुझे कोई मैं किसी को ज़बरदस्ती या किसी को मैं इस प्रकार से नहीं कहता हूँ, हाँ इतना ज़रूर कह लेता हूँ कि भाई आपको अच्छा लग रहा है तो आप एक छोटा सा वीडियो बना के बताइए, ताकि लोगों में प्रेरित हो कि यहाँ से जो काम हो रहा है वो काम हमारे समाज को एकत्रित और संगठित करने के लिए ये अच्छा पहल हो रहा है, इससे लोगों को फायदा हो रहा है, इसमें घर परिवार में लोगों में एकता आ रही, संगठन आ रहा है और हमारे समाज में एक अच्छाई की एक पहल हुआ है और उस अच्छाई के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बुराई तो काफ़ी है और हम लोग ऐसा अच्छाई के साथ में अच्छे लोग अगर नहीं आएंगे तो बुरे लोग तो हमेशा दबाने की कोशिश करेंगे और बुरे लोगों के साथ में तो बहुत सारे संगठन होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे उनके साथ में जुड़ जाते हैं और बुरे लोगों वो कुछ भी करके अपना संख्या दिखाते हैं, उनके अंदर में ताकत होती है, उनके अंदर में कानून की ताकत होती है, उनके पास में लोगों की ताकत होती है, उनके पास में हर तरह का छल कपट होती है। तो हमें यही करना है कि अगर अच्छा लग रहा है तो मेरा वीडियो जो देखेंगे सारे आदिवासी समाज के लोगों को कहना चाहेंगे, मुझसे बात कीजिए, मुझसे जुड़िए, मेरा यूट्यूब के माध्यम से आप देखने का प्रयास कीजिए और इसको अच्छा लग रहा है तो अपने परिवार को भी दिखाइए, अपने समाज के लोगों को भी बताइए, आज हमारे युवा वर्ग किस तरह से भटक रहे हैं, हमारे जो बुजुर्ग है किस प्रकार से शराब वगैरह में फंसे हुए हैं। तो इस प्रकार का हम जब बातें करेंगे, चर्चाएं करेंगे तो हम अच्छे और सही मार्ग में चलते हुए हम सही होते ही जाएंगे। आज हमें बहुत जरूरी है लगातार प्रयास करना है, लगातार प्रचार करना है, लगातार अच्छाई को ऊपर उठाना है, नहीं कि हम बुराई में दबे रहेंगे और बुरा लोग और बुरे बुरा ऊपर उठ जाए। तो बहुत सारे
मुझे अभी कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि बुराई काफी ऊपर उठ चुका है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता मैं गलत हो सकता हूँ, आपके नज़र और हमारे नज़रिया में देखने में अंतर हो सकती है। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बुराई काफ़ी ऊपर उठ चुका है, बुराई को ही हम लोग अच्छाई मान रखे हैं, तो अच्छे लोग जो चाहते हैं कि बदलाव करना चाहिए, और बदलाव जरूरी है क्योंकि हम पहले से ही हम लोग, हमको इस बार कहते हैं कि पूर्वज का ये किया हुआ हम बदलाव नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं। अरे आप चाहो या ना चाहो, उस समय के अनुसार सब बदलते जाता है। हमारा जो पहले था, हमारे पूर्वज जो लोग थे करिया वगैरह पहनते थे, है ना, उनको पहनावा किस तरह था, खाना पीना किस तरह था, रहना किस प्रकार था, तो आज वो बदल गया है। हम लोग पैंट शर्ट में आएगा अच्छा से रहते हैं, घर दरवाजा अच्छा है, तो रोज बदल रहा है। तो हमको भी अपने जो अंदर जो अपना व्यवस्था है, अपना समाज के अंदर में जो अच्छाई नहीं है, उसको धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता हम लोग क्या करेंगे, लोगों को समझाते हुए और हमारे समाज के सारे लोगों को बताते हुए हम अपने सुंदर और नेक समाज का निर्माण करेंगे। चलिए मैं इतना ही बोल के अपने बातों को समाप्त करता हूँ, और अंत में फिर मैं कहूँगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि समाज में सारे लोग जान सकते हैं और सारे लोग में अच्छाई आ सकता है। और ये शेयर करना भी एक समाज के लिए बहुत बड़ा जरूरी है। आज बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि दादा आपके देखने से मुझे वापसी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारा सरना धर्म भी है और सरना धर्म को हम लोग अपना धर्म मान के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। मोबाइल नंबर मैं दे देता हूँ, उसमें आप बात भी कर सकते हैं, हमें दिशा निर्देश करते रहिए और बताते रहिए। मैं इतना ही बोल के अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।